कसौटी जिंदगी की में अब कोमोलिका और प्रेरणा दोनों सामने आ गई हैं। जी हाँ, एक तरफ जहाँ आप शो की मेन प्रोटैगनिस्ट प्रेरणा को करीब डेढ़ महीने से शो में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले ही शो में जलवे बिखेरते हुए कोमोलिका बनी हिना खान की भी एंट्री हो गई। अब ये दोनों आपके सामने हैं। ऐसे में कौन बेहतर है और कौन किस पर भारी, ये कंपैरिजन भी शुरू हो गया है। दरअसल ये कंपैरिजन इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि जब तक हिना खान सामने नहीं आई थी तो कभी उनकी तुलना उर्वशी से की गई, तो कभी उनके एक्टिंग टैलेंट को प्रेरणा बनी एरिका से तोला गया। अब सिर्फ इसीलिए ही एरिका और हिना के बीच ये कंपैरिजन का दौर शुरू हो गया है। और अब जब इन दोनों के कंपैरिजन का जिक्र हो ही गया है, तो चलिए ऐसे में प्रेरणा और कोमोलिका इन दोनों की एंट्री से हम ये आंकने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच क्या फर्क है। शो में दोनों की एंट्री 25 सितंबर को जब ये शो पहली बार ऑन एयर हुआ था तो लोगों के सामने एरिका ने बड़े ही सीधे सादे अंदाज में एंट्री की थी। पहली नजर में मानो ऑडियंस को एरिका से प्यार सा हो गया। हालांकि कुछ लोगों को उनके डायलॉग डिलीवरी में काफी कुछ बनावटी लगा। उधर अगर हिना खान की एंट्री की बात करें तो शो में उनकी एंट्री काफी ग्रैंड दिखाई गई। हिना के आते ही नाज नखरे और अदाएं देखने को मिल गई फैंस को, जहां वो फिल्म कभी खुशी कभी गम की करीना कपूर की तरह डायलॉग बोलती नजर आईं। हालांकि इनकी डायलॉग डिलीवरी ने भी कुछ लोगों को निराश किया। दोनों का ड्रेसिंग स्टाइल, कोमोलिका और प्रेरणा के ड्रेसिंग स्टाइल में भी जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरणा जहां टिपिकल बंगाली गेटअप और सोबर मेकअप में दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कोमोलिका का अंदाज काफी ग्लैमरस है। इस बार कोमोलिका साड़ी में नहीं बल्कि लहंगा चोली और नथ पहने नजर आ रही हैं। और अगर बात करें शो के इन दोनों कैरेक्टर्स की, तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है जो देखने को मिला है, वो था दोनों के डायलॉग डिलीवरी का तरीका। जहां बहुत से लोगों को एरिका के डायलॉग बोलने का अंदाज पुरानी प्रेरणा श्वेता तिवारी से मिलता जुलता लगा, तो वहीं कुछ लोगों को आज की कोमोलिका के डायलॉग और एक्टिंग बनावटी ज्यादा लगे। तो भाई, अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आखिर आपको कौन ज्यादा पसंद आई, कोमोलिका या फिर प्रेरणा। साथ ही इसकी एक सॉलिड वजह भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।